हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंक ऑफ विद्या। तो कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? ये है प्रीवियस ईयर एसएससी जेई में पूछे ये प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन। तो हम मैकेनिकल की हमारे जैसा कि स्टार्ट चल ही रहा है, अभी आरके जैन बुक से कर रहे थे दोस्तों, बहुत कम ही लोग उसमें इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। तो आज हमने बुक चेंज किया है ना, इसमें हमारे प्रीवियस ईयर के जितने एसएससी का क्वेश्चन वो सभी है, और ये टॉपिक वाइज है बिल्कुल। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, एसएससी जेई के लिए, आरवी जेई के लिए, पीएससी के लिए। तो यही मुझे यही सही लगा, तो आज से हम यही कर रहे हैं, है ना। तो और अगर आपने पहले का मैकेनिकल क्विज नहीं लगाया तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साइको का टेस्ट चल रहा है, वहाँ पे आपको उसका भी लिंक सब प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं आज का ये क्वेश्चन। और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, है ना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर लें और बेल बटन भी दबा देना, है ना। और चलते हैं, क्या है द पर्पज़ ऑफ चैपलेट इज। तो चैपलेट्स का यूज हम किस लिए, मेटल, ये टॉपिक कौन सा हमारा, मेटल कास्टिंग, है ना। तो ज़्यादा एक्सप्लेन तो नहीं करूँगा, थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करते हुए जल्दी बहुत ही कम टाइम में आपका ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व कराने की कोशिश करूँगा। तो आपको बताना है द पर्पज़ ऑफ चिपले सॉरी चैपलेट्स इज। तो चैपलेट्स का काम क्या होता है ना। तो चैपलेट्स का हमारा काम करता है टू सपोर्ट द कोर्स, है ना। सपोर्ट कोर्स को हम सपोर्ट किससे करते हैं, चैपलेट्स के थ्रू। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द चीफ एडवांटेज ऑफ डाई कास्टिंग। चीफ एडवांटेज ऑफ डाई कास्टिंग क्या होगा दोस्तों, बताइए, है ना। अगर आपको सारा ऑप्शन देखना है, मैं इसलिए डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ बिकॉज आपका टाइम सेविंग करने के लिए। अगर आपको सारे ऑप्शन देख के आंसर करना है तो वीडियो को पॉज करके आराम से देख सकते हैं, है ना, या थोड़ा टाइम मैं भी दे देता हूँ। तो चलिए दोस्तों, द चीफ एडवांटेज ऑफ डाई कास्टिंग इज हाई प्रोडक्शन रेट आर पॉसिबल होता है इसमें, चीफ, है ना, चीफ एडवांटेज हमसे पूछ रहा है। यूनिफॉर्म सैंड हार्डनेस इज ऑब्टेंड थ्रू आउट द मोल्ड बाय विच ऑफ द फ्लोइंग मोल्डिंग मशीन, है ना। तो इसका ऑप्शन आपके पास सामने है, डायफ्राग्राम मोल्डिंग, स्ट्रिपर प्लेट, सैंड सिलिंगर और स्क्रीजिंग। तो क्या होगा आंसर, बताइए आंसर क्या होगा, सैंड सिलिंगर, है ना। द मेन एडवांटेज ऑफ द सेल मोल्डिंग इज दैट, सेल मोल्डिंग का क्या मेन एडवांटेज क्या हो जाएगा, इसका भी वही जो डाई कास्टिंग का हमारा हाई रेट, हाई प्रोडक्शन रेट आर पॉसिबल, है ना। और चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन, इन सैंड मोल्डिंग द बॉटमेस्ट पार्ट ऑफ द बोट। देखिए मोल्डिंग में 3 पार्ट होते हैं ना, ऊपर का क्या होता है कोप, नीचे का ड्रैग और बीच का चीक। इसमें पूछ क्या रहा है, बॉटम। तो बॉटम का क्या हो जाएगा, सी आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन, चीक। ओके नेक्स्ट चलते हैं, इन ऑर्डर टू रैम द सैंड सॉफ्टर ऑन द पैटर्न फेस एंड हार्डर एट द बैक ऑफ द मोल्ड विच ऑफ द फ्लोइंग टाइप्स ऑफ द मोल्डिंग मशीन इज यूज, है ना दोस्तों। तो ऑप्शन आपके सामने है, जोल्ट, सैंड सिलेंजर, स्क्रेजिंग या स्ट्रिपर प्लेट, बताइए क्या होगा आंसर इसका। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, है ना, स्क्रेजिंग। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, द टेपर प्रोवाइडेड ऑन पैटर्न फॉर इट्स ईजी क्लीन, ईजी एंड क्लीन विदड्रॉ फ्रॉम द मोल्ड इज कॉल्ड, है ना। तो हम टेपर प्रोवाइड किस लिए करते हैं पैटर्न में, आपको बताना है। एक मिनट क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन क्या है आपके सामने, टेपर अलायंस, ड्राफ्ट अलायंस, डिस्टोर्शन अलायंस, पैटर्न अलायंस, क्या हो जाएगा जल्दी बताइए। हम ड्राफ्ट अलायंस देते हैं ना, टेपर प्रोवाइड ऑन द पैटर्न फॉर इट फॉर इट्स ईजी एंड क्लीन विदड्रॉ, है ना। तो इसके लिए क्या देते हैं हम लोग, बी, क्या होगा, ड्राफ्ट अलायंस। नेक्स्ट चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कास्टिंग प्रोसेस, है ना। अब आपको बताना है इसमें कास्टिंग प्रोसेस कौन सा नहीं है। देखिए आपको नीचे से चलते हैं, स्लज प्रोसेस, स्लज प्रोसेस तो सभी को पता है कास्टिंग का प्रोसेस है, सेमी सेंट्रीफ्यूगल ये भी कास्टिंग का है, और एक इसमें आपको कन्फ्यूजन होगा इन दोनों में, है ना। तो एक्सट्रूशन क्या है, एक्सट्रूशन हमारा कास्टिंग प्रोसेस नहीं है, है ना, इसमें हम क्या करते हैं एक तरह का ये फॉर्जिंग प्रोसेस है। और तो और क्या हो जाएगा हमारा आंसर, बी, 8 का बी। चलते हैं नेक्स्ट, सरफेस टू बी मशीन आर मार्क्ड ऑन द पैटर्न बाय द फॉलोइंग कलर। तो हम सरफेस जिसमें हमें मशीन करना होता है, जिस सरफेस पे, उसे हम किस कलर से मार्क करते हैं, आपको बताना है, ब्लैक से, रेड से, येल्लो या ब्लू से। तो फ्रेंड्स ये बुक में अगर आप आंसर देखेंगे तो रेड, सॉरी ये येल्लो मिलेगा, बट ये येल्लो क्या गलत आंसर है, इसका क्या होगा, सही आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा, रेड, है ना। येलो हम किसके लिए करते हैं, कोर प्रिंट हम यूज करते हैं ना, उसके लिए येलो कलर का यूज करते हैं, और सही आंसर क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन चलते हैं, इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द विड्रॉल ऑफ पैटर्न, है ना। तो क्या देते हैं हम लोग,
पैटर्न इज मेड स्मूथ, है ना, वाटर इज अप्लाइड ऑन पैटर्न सरफेस, अलाउंस आर मेड ऑन पैटर्न, ड्राफ्ट इज प्रोवाइडेड ऑन द पैटर्न, क्या हो जाएगा जल्दी बताइए। इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ड्राफ्ट इज प्रोवाइडेड ऑन द पैटर्न, डी ऑप्शन है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ कास्टिंग डिफेक्ट, तो कास्टिंग डिफेक्ट इनमें से क्या कौन सा नहीं है, तो हॉट टीयर्स कास्टिंग डिफेक्ट है, ब्लो होल कास्टिंग डिफेक्ट है, स्कैब कास्टिंग डिफेक्ट है, और बचा हमारे पास एक कौन सा ऑप्शन, डी कार्बोराइजेशन, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा ना। चलते हैं नेक्स्ट ना, कोप इज ए फाउंड्री प्रैक्टिस रेफर्स टू, कोप क्या होता है, अभी आपने हमने अभी आपको बताया है ना, ऊपर वाले पार्ट को क्या कोप कहते हैं, नीचे वाले को ड्रैग कहते हैं, बीच वाले को चिक कहते हैं, है ना, तो हाफ टॉप हाफ मोल्डिंग बॉक्स हो जाएगा अपना कोप, है ना, बीस का आंसर हो जाएगा, बारह का भी हो जाएगा। 13 चलते हैं, श्रिंकेज अलॉय इज मेड बाय, बताइए क्या होगा, है ना, ऑप्शन आपके सामने है, डायरेक्ट मैं आंसर बता रहा हूँ, श्रिंकेज अलाउंस इज मेड बाय एडिंग टू इंटरनल एंड एक्सटर्नल डायमेंशन होता है ना, श्रिंकेज अलाउंस हम क्यों देते हैं, उसमें हम जो डायमेंशन होता है उन्हें एक्सटर्नली और इंटरनली दोनों ऐड करते हैं ना, बिकॉज हमें मशीनिंग करना होता है आफ्टर कास्टिंग, इसके लिए हम थोड़ा एक्स्ट्रा डायमेंशन देते हैं, है ना, तेरा का क्या हो जाएगा आंसर आपका, ई। चलते हैं 14 नंबर, क्या है, हॉट टीयर्स आर द रिजल्ट ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग, हॉट टीयर्स क्या होता है हमारा बताइए, लोअर क्या, लोअर परमेबिलिटी होगा, लोअर ग्रीन स्ट्रेंथ, मोर फाइंस, री स्ट्रेन ऑफ कंस्ट्रक्शन, क्या होगा जल्दी बताइए आंसर के सामने है, तो हॉट टीयर्स आर द रिजल्ट ऑफ क्या हो जाएगा, री स्ट्रेन ऑफ द कंस्ट्रक्शन, ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अभी बताना आपको, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ फाउंड्री टूल, फाउंड्री टूल इनमें से कौन नहीं है, तो फ्रेंड्स आपको बताना है, ऑप्शन है रिडल, आर्वर, स्लिक, ट्रोवेल, तो आपको पता होगा दोस्तों आर्वर क्या है हमारा, ये मिलिंग टूल है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आर्वर। तो दोस्तों अब टाइम आपको ज़्यादा हो रहा है, तो कोशिश कर रहा हूँ कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन किए हैं, और अगर आपको अगर अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट में बताएं, तो इस तरह के और वीडियो बनाएंगे और ये पूरा बुक कवर कर देंगे, तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन भी दबा दें, थैंक यू दोस्तों।